कैंप्रोसेट लेंगे तो शराब पीने की इच्छा कभी नहीं होगी, इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग शराब भी आते हैं, मतलब शराब की जिनको लत है, दारू पीते रहते हैं, अल्कोहलिक एडिक्ट है। और हम अल्कोहल एडिक्ट किसको बोलते हैं कि जिनको शराब पीने के सिवा रहा नहीं जाता। सुबह उठते ही उनके हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आएगा, ऐसे शराब के लिए हंग्री होंगे वो, और उनको लगता है कि बस जाके पीना चाहिए, और वो कुछ भी बहाना निकाल के बाहर जाएंगे और पी के आएंगे, क्योंकि उनको शराब उतर गई कि उनको और लगती है। तो वो है अल्कोहल एडिक्ट, कि भाई उनको दैनंदिन काम करने के लिए शराब की जरूरत होती है। तो ये अल्कोहल एडिक्ट है, और अल्कोहल एडिक्शन का एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, डिटॉक्स हो गया मतलब एक बार शराब पूरी बॉडी में से निकाल दिया, बाद में फिर ये दवाई देना है जिसका नाम है अकैम्प्रोसेट। तो ये अकैम्प्रोसेट दवाई कम से कम एक या दो हफ्ते के बाद में चालू करते हैं, जब डिटॉक्स हो जाता है, शरीर का पूरी शराब निकाल देते हैं, और बाद में फिर अकैम्प्रोसेट चालू करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब शराब छोड़ने के लिए हमारे पास में लोग लाते हैं तो ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। बहुत ही कम लोग हैं कि जो खुद होके आते हैं। आज ही एक व्यक्ति ऐसा आ गया, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि खुद होके अकेले ही आए, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आए, बोले मैं शराबी हूँ और मुझे छोड़ने का है। इतना मोटिवेटेड, खुद अकेला बोले मैं अकेला भरती रहूँगा, और मुझे जो तकलीफ होती है 4-5 दिन शराब छोड़ने के बाद में, बस वो मुझे 4-5 दिन निकाल डालो आप, और बाद में फिर मैं पीऊँगा नहीं। इतना उसको अच्छा इनसाइट है। तो वो पहले 4-5 दिन जो है वो बहुत कठिन होते हैं। एक बार वो 4-5 दिन निकल गए, डिटॉक्स हो गया, बाद में फिर ये अकैम्प्रोसेट हम चालू कर सकते हैं। ये अकैम्प्रोसेट दवाई जो है वो 333 मिलीग्राम की एक गोली आती है, और ऐसे हम 2 गोली रोज की देते हैं, करीब करीब 7 से 10 रुपए की गोली है ये। ये मूड स्टेबिलाइजर करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये दवाई का ऐसा है कि ब्रेन के ऊपर काम करती है अकैम्प्रोसेट, और ब्रेन के ऊपर काम करती है तो पीने की जो ज़बरदस्त इच्छा रहती है, जो भूख लगती है पीने की, जो क्रेविंग रहती है, तो वो नष्ट कर दिए, वो क्रेविंग ख़त्म कर देती है। तो वो काम इसमें होता है, और ये दवाई की आदत भी नहीं लगती है। और कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि शराब पीने के बाद में जो मज़ा आता है वो मज़ा भी नहीं आता है लोगों को, कुछ स्टडीज़ ऐसी है। तो ये दोनों भी काम ये करती है। एक स्टडीज़ मतलब अमेरिका और इंग्लैंड की ज़्यादा स्टडीज़ है। इंग्लैंड में अभी तक करीब करीब 15 लाख लोगों को ये दवाई देकर फ़ायदा हो चुका है। अमेरिका में भी लाखों लोगों को ये दवाई देकर अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिकमेंड किया हुआ है। हमारे देश में भी, भारत में भी हम देते हैं दवाई ये, और 1 बीड़ी मतलब सवेरे एक शाम को एक देते हैं, अलॉन्ग विद डायसल्फिराम। मैं डायसल्फिराम के साथ में दवाई देता हूँ। एक स्टडी ऐसी बताती है कि 86% लोग फिर से मतलब शराब से दूर रहे दवाई चालू करने के बाद में। 100 में से 86% लोगों ने शराब नहीं पिया 1 साल तक। तो अच्छा रिजल्ट है। ये अकैम्प्रोसेट से लीवर को कोई हार्म नहीं होता, लीवर को डैमेज नहीं होता। क्या है कि शराब लीवर को डैमेज करती है, और ये दवाई लीवर के ऊपर काम नहीं करेगी। मतलब लीवर खराब है तभी भी ये दवाई चल सकती है, हाँ, मगर किडनी खराब है तो ये दवाई देने की नहीं है। 1 साल तक ये दवाई रोज देनी पड़ती है। ये दवाई से कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि जी मछलाना, उल्टी होना, पेट दर्द, सिर दर्द, थकान, थोड़ी चक्कर आना, और थोड़ी नींद आना, ऐसा होता है। तो ये यदि साइड इफेक्ट्स है और वो थोड़ी मात्रा में, तो कोई चिंता करने की है नहीं। घबराहट, बेचैनी और नींद, इसके लिए भी दवाई काम में आती है। मतलब जिनको एंग्जाइटी है, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है और नींद नहीं आती, उनको भी अकैम्प्रोसेट से फ़ायदा होता है। मूड स्टेबिलाइजर करके भी इसका फ़ायदा होता है, ये दवाई यूज़ करते हैं मूड स्टेबिलाइजर करके। अब सवाल आ गया कि ये दवाई लेके ड्राइविंग करना कि नहीं करना। जो लोगों को थोड़ी चक्कर जैसी आती है, या ऐसा लगता है कि आजू बाजू को घूम रहा है, या थोड़ी नींद जैसी आ रही ज़्यादा, तो फिर ड्राइविंग करने का नहीं है, व्हीकल चलाने का नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज अकैम्प्रोसेट 2 टैबलेट रोज की 1 साल तक बिल्कुल लेना है। ये दवाई लेते हैं तो आपको पीने की इच्छा कम होगी, पियेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा पियेंगे तो, और दूसरा आदत भी लगती नहीं है, और पीने के बाद में मज़ा जो आता है वो मज़ा भी आएगा नहीं। सभी तरह से दवाई काम करेंगी। तो जितने भी लोग पीने वाले हैं उनको ये रिकमेंड करो, और छोड़ने के 1 या 2 हफ्ते के बाद में ये शुरू करना है। हमारे आशा किरण हॉस्पिटल में हम लोगों को, ये हमारा रिहैब सेंटर है, इसमें हम लोगों को भर्ती करते हैं, दाखिल करते हैं। यहाँ बिना रिश्तेदार भर्ती करने की व्यवस्था है। यहाँ अकेला पेशेंट रह सकता है, रिश्तेदार उसको छोड़ के जा सकते हैं, और जब दवाई पूरी हो गई, ट्रीटमेंट पूरी हो गई, तो उसको लेकर वापस जाते हैं। यदि रिश्तेदार रहना चाहते हैं तो केळकर हॉस्पिटल में रामदासपेट में व्यवस्था की। इसका मतलब हमारा एक हॉस्पिटल है जो रिहैब सेंटर है, अकेले पेशेंट को रहना, एक हॉस्पिटल है विथ रिलेटिव्स हम पेशेंट को रखते हैं। दोनों भी व्यवस्था है, शराबी लोगों को ट्रीटमेंट करने का ये अच्छा स्थान है। मैं रिकमेंड करूँगा
कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि ये जो बीमारी है ना शराब की, ये हमारे समाज में से निकल जाएगी, लोग प्रोडक्टिव बन जाएंगे और हमारा भारत देश बहुत आगे निकल जाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।